गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आम आदमी पार्टी को मुमरा कौसा से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता अजीम शेख अपने करीब 15 से 20 साथियों के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में अबू अल्तमस फैजी लगे हैं कि किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, वहीं अब करीब 15 से 20 साथियों के साथ अजीम शेख ने आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। अजीम शेख ने आम आदमी पार्टी पर दरअसल यह आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जाती है। खास तौर पर उनका ऐसा आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लिए आम आदमी पार्टी आवाज़ नहीं उठाती है, और यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं अजीम शेख और इनके साथ करीब 15 से 20 इनके साथी हैं। हालांकि अजीम शेख को आम आदमी पार्टी में ऑफिशियल किसी भी तरह की पोस्ट नहीं थी, लेकिन ये आम आदमी पार्टी में एक्टिव कार्यकर्ता मुमरा कौसा में माने जाते थे। और अब आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह क्या इन्होंने बताई है, मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। अजीम भाई, आज आपने अपने कार्यालय पे एक पत्रकार परिषद रखी, क्या कारण था, क्या बनाना चाहोगे? जैसा कि पूरा मुमरा शहर मुझे एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से जानता है, जो कि लोगों ने कोई गलत अनुमान नहीं लगाया है, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा कई सालों तक, और डॉक्टर अबू अल्तमस फैजी के साहब के इलेक्शन लड़ने के बाद से लगातार एक्टिविटी करता रहा। लेकिन उसके पहले MIM का एक प्रोटेस्ट था मुमरा पुलिस स्टेशन में, जिसमें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की गई थी, और आप ही पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि आप दूसरी पार्टी से होते हुए MIM के प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं। तो मैंने साफ तौर पर वाजह कर दिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या तंजीम हमारी मजहब या हमारी कौम या हमारे मजहब से बढ़कर नहीं हो सकती। तो उसी के मद्देनज़र आज ये पत्रकार परिषद बुलाया हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आम आदमी पार्टी की कोई नीति या दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से मैं कोई इंस्पायर होकर पार्टी ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ मुमरा के कैंडिडेट जो थे डॉक्टर अबू अल्तमस फैजी, उनकी शख्सियत और उनकी काबिलियत पर उनके पीछे चलना पसंद किया था। परंतु लगातार पार्टी का ये मुखौटा सामने आ चुका है कि पार्टी को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडर या मुसलमानों के मसाइल पे आवाज़ उठाना उठाते वक्त उनके मुंह में दही जम जाता है, और वो आवाज़ उठाने से कहीं कई दर्जे तक उतराते हुए नज़र आते हैं। जिसकी मिसाल हालिया जो सबसे बड़ा मुझे धचका लगा है या बुरा लगा है कि जिस तरह पूरा आलम, पूरी दुनिया देख रही है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर किस तरह जुल्म और बर्बरियत हो रही है, कितना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पर, उस पर एक पार्टी का स्टैंड होना चाहिए था। जिस तरह हर छोटे बड़े मसले पर या कुछ भी रहता है तो उस पर अरविंद केजरीवाल ही हुए या दूसरी पार्टी के लीडर्स हुए वो आवाज़ उठा, उस पार्टी के दूसरे लीडर्स हुए वो आवाज़ उठाते, लेकिन हमारी कौम का जहाँ मसला है या हमारे धर्म का जहाँ मसला है वहाँ उनके मुँह में दही जम जा रही है। तो ऐसी जो हमारे मसले को नहीं उठा सकता, उस हम ऐसी पार्टी का झंडा नहीं उठा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी में आपकी क्या पोस्ट थी? आम आदमी पार्टी की मैंने ऑफिशियली कोई पोस्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। पार्टी वाले एज अ यूथ प्रेसिडेंट, यूथ एक्टिव मेंबर, जो कुछ भी कहा जाए वो लोग कहते थे, मैंने कोई उनका आज तक पोस्ट एक्सेप्ट नहीं किया था ऑफिशियली, ना कोई लेटर एक्सेप्ट किया था। बट उन्होंने कहा पार्टी वालों की जिद पे आम आदमी पार्टी का, मैंने यहाँ पे कार्यालय का ओपनिंग बोर्ड वगैरह भी लगाया, स्टिकर भी था जिसमें मेरा डॉक्टर अबू अल्तमस फैजी साहब का बाकायदे फोटोज थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बुलाने से पहले ही आज ही की डेट में जब मेरी यहाँ से पूरी तरह से बदजन हो गया कि नहीं वो इस मसले पर कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहते, तो मैंने वो सारी चीज़ें निकलवा दी जिसके फोटोज़ वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी एक और वजह है
कि हालिया आम आदमी पार्टी की मेन कमेटी जो दिल्ली की है, उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन इंचार्ज या स्टेट हेड के तौर पर एक गुजराती गोपाल इटालिया को मुसल्लत किया है। मुसल्लत ही बोलूंगा, जब किसी से राय मशवरा कुछ नहीं, बस पैराशूट तौर पर प्रेसिडेंट उतार दिया जाए। दो गुजरातियों को जैसे तो पूरा देश जूझ रहा है, कितने बड़े खसारे में, कितने बड़े नुकसान में। अब एक गुजराती को ये सेकुलर पार्टी, जिसको नाम दिया गया आंदोलनकारी पार्टी, वो हमारे मसले पर आंदोलन नहीं करेगी, तो उस बंदे का एक्टिविटी होने के बाद यहाँ मुंब्रा के भी कुछ मुफाद परस्त सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बन गए और ऑफिस की ओपनिंग वगैरह कर लिया। जो लोग वो बंदे को, जो कि एक मुखलिस बंदा नहीं, उसको रिपोर्ट करते हैं। और महाराष्ट्र के जो पुराने भी हैं, चाहे वो धनंजय शिंदे हों या प्रीति मेनन हो या थाना के पुंजवानी हो, ये लोग भी किसी भी तरीके से मुखलिस, वरना महाराष्ट्र लेवल पे कम अज़ कम ये कोई प्रोटेस्ट या कोई आवाज़ तो उठाते थे या हमारे साथ शामिल ही हो जाते थे। बल्कि भाई आपने हाई कमांड से बताया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ऐसे कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोगों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। और मुझे आज से आप लोग के थ्रू मुंब्रा की आवाम को ये पैगाम देना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आम आदमी पार्टी से मुझे कोई दिली लगाव नहीं था, सिर्फ डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी की शख्सियत के ऊपर इंस्पायर होकर मैं ज्वाइन किया था। और अब आगे से मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना मैं उसका कोई पोस्ट होल्डर हूँ, ना मेरी पूरी टीम, चाहे वो जोहेब शेख हुए, यूसुफ हुए, अरफात हुए, तारिक हुए, यासर हुए या अब्दुल रहमान हुए, और भी बहुत सारे मेरे वॉलंटियर्स हैं मेरे। कितने लोग थे टोटल? तकरीबन 20 लोग हैं जो मेरे लिस्टेड हैं। बाकी जब भी जरूरत रही तो आप लोगों ने देखा है कॉन्फ्रेंस में, आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रोग्राम के अंदर मेरे जो लोग रहते हैं वो सरे फहरिस्त। ये 20 लोग ने एक साथ छोड़ा है मतलब? सारे लोगों ने बाकायदे, जो मेरे लोग थे वो अब आम आदमी पार्टी। मैंने साफ तौर पे एक वाजे कर दिया, लास्ट फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो पार्टी हमारी कौम के मसाइल को नहीं उठा सकती, हम उस पार्टी का झंडा हरगिज नहीं उठा सकते। कोई और पार्टी में जाने का आपका इरादा तो नहीं है इस वजह से छोड़े, ऐसा कुछ नहीं? पार्टी का तो देखिए, मेरे पास दो प्लेटफॉर्म पहले से, एक तो पत्रकारिता का कि न्यूज चैनल और न्यूज पेपर दोनों मेरे पास है, उसके थ्रू मैं अपनी आवाज और अपने कौम के मसाइल को उजागर कर सकता हूँ। दूसरा, मेरे पास एक रियाज एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके जेरे तमाम मैंने कोविड के चलते और भी जब भी वो मौका मिला मैंने काम किया है, चाहे वो हिजाब का मसला रहा, उस वक्त भी मैंने उसी ट्रस्ट के लेटर हेड पे परमिशन वगैरह के लिए डाला था। तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके, बल्कि मैं ना ज्वाइन करते हुए भी अक्सर दूसरी पार्टियां कुछ अगर अच्छी एक्टिविटी करती हैं, चाहे वो MIM हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, सिवाय सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के, सत्ताधारी तो नहीं कहा जाएगा बर वक्त, सत्ताधारी मतलब यहाँ के सिटिंग MLA की पार्टी को छोड़कर, राष्ट्रवादी, हाँ राष्ट्रवादी, जो जिसके MLA जितेंद्र अवार्ड है, क्योंकि चाहे वो 2.5 महीने का CA NRC प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे उस दिन दुआया मजलिस का इनेकाद रहा हो, किसी भी मसले पर उनके कार्यकर्ता तो बड़ी बड़ी होर्डिंगें मार्गदर्शन की लगा देते हैं, लेकिन उनका दर्शन जब हमारी कौम का मसला खास कर आता है तो उनका दर्शन दुर्लभ रहता है। तो जो हमारी कौम का, हमारे शहर का, हमारे लोगों के मसले में आवाज नहीं उठाए, हमारे साथ जुड़े नहीं, हम उसका झंडा या उसको किसी भी तरह की सपोर्ट हरगिज हरगिज नहीं कर सकते।